नमस्कार, 5 बजे के तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ स्वाति रायना। अगर अगले कुछ महीनों में ट्रेन से सफर की योजना बना रहे हैं तो जरा संभल जाइए। वैसे तो भारतीय ट्रेनें अपनी लेट लतीफे के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार रेलवे मंत्रालय खुद ये कह रहा है कि आने वाले 8 से 10 महीने रेलवे की लेट लतीफी झेलने के लिए तैयार हो जाएं। इसमें राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं जो फिलहाल 3 से 4 घंटे देरी से चल रही हैं। कई ऐसे ट्रेनें भी शामिल हैं जो फिलहाल 3 से 4 घंटे देरी से चल रही हैं। कई ऐसे ट्रेनें भी हैं जो 16-16 घंटे देरी से चल रही हैं। रेलवे का ये कहना है कि मार्च 2019 तक ये हालात सामान्य हो जाएंगे। Several subjects have been taken up. What different strategies, what innovative ideas, what new technologies can be introduced to improve the speed of all the trains in the railways, to improve the punctuality, which has taken quite a beating in the last few years as we have focused more and more on safety issues. For which long traffic blocks have been required to be given, and working on doing a holistic plan to unlock the true potential of the railways and improve the efficiency both for passenger and freight and the financial operations of the railways. छूना है, ट्रैक काटना है, ट्रैक काट के निकालना है, ट्रैक बदलना है, पटरियां बदलनी हैं, स्लीपर बदलने हैं, तो आपको वहां पे ब्लॉक करना होगा और उतनी देर के लिए आपको गाड़ियां रोकनी होंगी। अगर आपने 1 घंटे का भी ब्लॉक लिया है तो आप इमेजिन कर सकते हैं जहां पे वो 90 ट्रेन्स हैं उसी एक डायरेक्शन में एक रूट के ऊपर डाउन में, तो 7-8-10 गाड़ियां जो है 1 घंटे पीछे खड़ी हो गई। फिर वो उसके बाद स्टार्ट होती है और दोबारा चलती हैं।